महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद अब शिवसेना की नजर बीजेपी शासित गोवा पर है। जी हां, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति खत्म हो गई है, अब हमारी नजर गोवा की राजनीति पर भी है। हम पूरे देश में गैर बीजेपी मोर्चा बनाना चाहते हैं, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई है, अब हमारा ध्यान गोवा पर है और गोवा के बाद हम पूरे देश में फ्रंट बनाएंगे। जिया संजय राउत ने कहा कि तीन विधायकों के साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई शिवसेना के साथ गठबंधन कर रहे हैं, एक नया राजनीतिक मोर्चा गोवा में आकर ले रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। जल्द ही गोवा में आपको एक चमत्कार दिखाई देगा। जी हाँ, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई ने कहा कि घोषणा करने के बाद सरकार बदलती नहीं है, यह अचानक होता है। महाराष्ट्र में जो हुआ वह गोवा में भी होना चाहिए। जी हाँ, विपक्ष को साथ आना चाहिए। हम संजय राउत से मिले, महाविकास अघाड़ी का गठन किया गया है जिसे गोवा तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा का चुनाव 2017 में हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 3 और एनसीपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि 3 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। अचानक रातों रात 10 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। जी हाँ, इस वजह से बीजेपी की संख्या 27 हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने सरकार बना ली थी और मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनके निधन के बाद प्रमोद सावंत को सीएम बनाया गया। मेरे साथ गोवा के एक्स मिनिस्टर एंड एक डेप्यूटी सीएम, उनके साथ 3 एमएलए हैं। गोवा फॉरवर्ड के प्रमुख है, शिवसेना के साथ उनका अलायंस हो रहा है, एक फ्रंट गोवा में बन रहा है शिवसेना के साथ। विजय सरदेसाई जी जो नेता है, गोवा के प्रमुख नेता है, डिप्यूटी सीएम रहे हैं मनोहर पर्रिकर के मिनिस्ट्री में, तो गोवा में एक नई राजनीति जैसे महाराष्ट्र में हुई है, नया फ्रंट बन रहा है। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से एक सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, हम पर उंगली दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गए, हम एनसीपी के साथ गए, लेकिन कांग्रेस के वो सभी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और भी घिनौने आरोप थे, उनके साथ सरकार बनाई और गोवा की जनता को पसंद नहीं है। इसलिए आज विजय सरदेसाई जी, एक्स डिप्यूटी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट, आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।